हमारे पेरेंट्स उनके टाइम्स में फॉर्मल एजुकेशन के थ्रू जाना ज्यादा इंपॉर्टेंट था आज के समय से। क्यों? आज के टाइम पे दुनिया इस तरीके से बनी है कि कुछ और काम करना और उसमें सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी कंपैरेटिवली हाई है। उस समय सोशल मीडिया नाम का कुछ नहीं था। ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे 10th और 12th के परसेंटेज मुझे याद नहीं है। अगर आप सीखने के लिए रेडी हैं तो फिर आप कहीं से कहीं भी पहुंच सकते हैं। और कोई कितना इंपॉर्टेंट है फॉर्मल एजुकेशन के थ्रू गुजरना और 10th और 12th के मार्क्स क्या मैटर करते हैं बाद में, इस सवाल का जवाब हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। वैसे अगर आप ये सोच के आए हैं कि इसका आंसर मैं यस या नो में दूंगा, तो मैं बोलूंगा आप वीडियो को पूरा देखिए, आपको एक पर्सपेक्टिव मिलेगा। और अगर आप एक डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस वीडियो पे आए हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो में हैं। आप भी वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले एजुकेशन प्रोसेस का क्या इंपॉर्टेंस है। मुझे पर्सनली लगता है कि एजुकेशन ही हर चीज़ का बेस है। ज़िंदगी में आपको कुछ भी करना है, एजुकेशन इज़ अ मस्ट। जब मैंने ये बोला, एजुकेशन मतलब ये नहीं कि आपके पास एक डिग्री हो, एजुकेशन से मेरा मतलब है सीखना। अगर आप सीखने के लिए रेडी हैं तो फिर आप कहीं से कहीं भी पहुंच सकते हैं और कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हैं। ये मेरा बिलीफ सिस्टम है। इसीलिए जैसा कि हमें सुनने को मिलता है कि बिल गेट्स ड्रॉप आउट है, मार्क जकरबर्ग ड्रॉप आउट है, और भी बहुत लोगों के बारे में सुनने को मिलता है, पर इसका ये मतलब नहीं कि उन्होंने सीखा नहीं कुछ, उन्होंने पढ़ाई नहीं की। हाँ ठीक है, उन्होंने फॉर्मल डिग्री शायद नहीं ली जो सोसाइटी जिस तरीके से बोलती है डिग्री लेने के लिए, पर सीखना उन्होंने कभी बंद नहीं किया। इनफैक्ट एक आम आदमी से बहुत ज़्यादा वो लोग सीखे हैं और सीखी हुई चीज़ को इम्प्लीमेंट किया है उन्होंने, तभी वो उस मकाम पे हैं। और इम्प्लीमेंट करने से क्या होता है, जो भी चीज़ आप सीख रहे हो वो और ज़्यादा कॉन्क्रीट होते जाता है। कॉन्क्रीट नॉट इन अ नेगेटिव सेंस, मतलब आप पक्के होते जाते हो, वो चीज़ आपकी होती जाती है, इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ यू। सो इन दैट सेंस एजुकेशन इज़ वेरी क्रूशियल। और अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एजुकेशन कभी ख़त्म नहीं होता है। इट इज़ नॉट लाइक कि आपने 12th तक पढ़ लिया तो एजुकेशन खत्म, आपने आप ग्रेजुएट हो गए, ग्रेजुएशन की डिग्री ले ली तो एजुकेशन खत्म, नहीं। इस कॉन्टेक्स्ट में एजुकेशन इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस और जिंदगी भर सीखते रहना चाहिए, क्योंकि सीखते रहने से एक अच्छी फीलिंग भी आती है कि यार आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन और हर रोज़ कुछ नया आ रहा है मेरे परव्यू में। लेकिन दोस्तों, जब बात आती है फॉर्मल एजुकेशन की, जिस एजुकेशन सिस्टम से हमारी सोसाइटी डिजाइंड है, उससे गुजरना कितना इम्पॉर्टेंट है ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। जैसे आज का टाइम है, ये टाइम्स पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। जब हमारे पेरेंट्स एजुकेशन सिस्टम के थ्रू गुजर रहे थे उनके टाइम्स में, शायद फॉर्मल एजुकेशन के थ्रू जाना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था आज के समय से। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पर दुनिया इस तरीके से बनी है कि आज के टाइम पर कुछ और काम करना और उसमें सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी कंपैरेटिवली हाई है। उस समय बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे। फॉर एग्जांपल, उस समय सोशल मीडिया नाम का कुछ नहीं था, और भी बहुत सारे ऑप्शंस नहीं थे जो आज के टाइम पे हैं। बिजनेस करना है तो आपको फैक्ट्री सेटअप या कोई ट्रेडिशनल बिजनेस ही करना पड़ता था, पर आज ऑनलाइन बिजनेसेस भी आ गए हैं जो कि बहुत बड़ा रीच, बहुत बड़ा लीप ले पा रहे हैं कंपेयर टू ट्रेडिशनल बिजनेसेस। ये सब ऑप्शंस उनके टाइम पे नहीं थे, तो फिर फॉर्मल एजुकेशन वॉज ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट इन दोज टाइम्स। अगर आज के टाइम पे बोलें तो अगर किसी को जॉब में जाना है, बिकॉज द होल फॉर्मल एजुकेशन दैट वी गो थ्रू इज डिजाइंड फॉर एम्प्लॉयबिलिटी, मतलब एम्प्लॉय बनाने के लिए वो एजुकेशन सिस्टम बनाया हुआ है। और एम्प्लॉय होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आजकल बहुत लोग डिरोगेटरी सेंस में, मतलब नीचे भी देखते हैं इसको कि नौकरी कर रहा है, देर इज नो प्रॉब्लम इन डूइंग अ जॉब। लेकिन आपको समझना है, अगर आपको बिजनेस भी करने का मन है अपना, तो भी अगर आप जॉब करते हैं तो इट कुड बी लाइक कि आप किसी और ऑर्गेनाइजेशन में जाके सर्व कर रहे हैं। वहाँ का जो भी एटमॉस्फेयर है, जो भी ट्रेट्स हैं वहाँ के लीडर्स में, जिसके वजह से वो ऑर्गेनाइजेशन इतनी बड़ी हुई है, उसको आप इनकलकेट कर सकते हैं। वहाँ पे आप 2 साल 5 साल 10 साल, डिपेंडिंग अपॉन कितना टाइम है आपके पास, कितना टाइम आप दे सकते हैं अपने ड्रीम्स के लिए, उतना टाइम आप जॉब कर सकते हैं ताकि वो सारे ट्रेड्स आप इम्बाइब कर पाएं और उसको फिर अपने एंटरप्राइज में अप्लाई करें और सक्सेस हासिल करें। तो इन दैट सेंस एम्प्लॉयबिलिटी इज़ वेरी गुड। उसके अलावा दोस्तों, जो क्लास 10th और क्लास 12th के मार्कशीट की बात है, हमें बोला जाता है 10th में अच्छे से पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये नंबर्स आगे के लिए। 12th में भी यही बोला जाता है, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से कॉलेज में जाओ। दोस्तों, मैं जिस फील्ड में हूँ, ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे 10th का एग्जैक्ट परसेंटेज मुझे याद नहीं है, 10th का नहीं है। तो मैं पढ़ाई लिखाई में ठीक ठाक ही था, पर आज तक किसी ने मुझसे 10th और 12th का परसेंटेज नहीं पूछा। और उसके अलावा जितना भी मार्क्स मैंने स्कोर किया स्कूल में, उसमें से अधिकतर मार्क्स तो मुझे याद भी नहीं है। हाँ, एक आध जो अच्छे मार्क्स वगैरह आए थे या बहुत बुरे आए थे वो याद हैं, लेकिन वो भी ऐसे याद हैं कि
उस मार्क्स को, अगर बहुत अच्छे मार्क्स थे तो उन मार्क्स को पाने के लिए जो मैंने किया था वो मुझे ज़्यादा याद है। जैसे मुझे याद है एक बार मुझे 40 out of 40 मिला था मैथ्स में, वो मुझे याद है उस समय मैंने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की थी। और कई बार ऐसा भी टाइम आया था जब 40 में आई गॉट अराउंड 13-14 और मे बी 19 हुआ था, 11 में कंप्यूटर साइंस में हुआ था, कई बार संस्कृत हम लोग क्लास 8 तक संस्कृत पढ़े थे, संस्कृत में भी हुआ था। सो दिस केप्ट ऑन हैपनिंग, कभी मार्क्स बढ़ जाते थे, कभी कम हो जाते थे, कभी एवरेज रहते थे। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि लर्निंग पे आपको ज़रूर फोकस करना चाहिए, सिर्फ मार्क्स पे नहीं। मार्क्स तो एक आउटकम है और सिर्फ मार्क्स ओरिएंटेड होने से मज़ा नहीं आएगा स्कूल लाइफ में। अगर इफ़ यू रियली वॉन्ट टू लिव योर स्कूल लाइफ, क्यों मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने स्कूल पे एक व्लॉग बनाया था, उस पर मैंने एक्सपीरियंस वाली बात की थी कि आपको यू शुड एक्सपीरियंस एवरीथिंग। इट डजेंट मैटर आप फ्रंट बेंचर हो, मिडिल बेंचर हो या बैक बेंचर हो। फ्रंट बेंचर्स ऐसा मतलब ऐसा एक लार्ज परसेप्शन है कि फ्रंट बेंचर्स ज़्यादा पढ़ाई में इन्वॉल्व रहते हैं, बैक बेंचर्स वालों को पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं होता, मेजॉरिटी ऑफ जगह होता भी ऐसा ही है। हाँ, तो जो मैंने कहा था अपने उस वीडियो में वो ये था कि आप चाहे जो कर रहे हैं, आप चाहे पढ़ रहे हैं, चाहे खेल रहे हैं, चाहे बदमाशी कर रहे हैं, एक्सपीरियंस इट ताकि कुछ हो आपकी मेमोरी में और वही आपको बाद में याद भी रहने वाला है, क्योंकि स्कूल का समय कभी वापस नहीं आएगा। दोस्तों, जब बात आती है पढ़ाई की, तब ये सवाल आता है कि पढ़ाई को कैसे इन्जॉय किया जाए, मौज मस्ती में कैसे इन्जॉयमेंट ढूंढते हैं। इसके लिए किसी को कोई सलाह नहीं चाहिए, सबको पता है। पढ़ाई लिखाई में दोस्तों मैं बोलूँगा, स्टडीज़ में को इन्जॉय करने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप, जो मैंने पिछले वीडियो में बोला था, देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज फ्लो। जब आप एक ही चीज़ पे लगातार फोकस करते हैं ना, तो धीरे धीरे हमारे जो सारे सेंसेस हैं वो एक डायरेक्शन में आते हैं और धीरे धीरे वो चीज़ अच्छी लगने लगती है। और आज ही मैंने एक अपने इंस्टाग्राम पे देखा, मेरी एक फ्रेंड है सुकन्या, उसने एक पोस्ट डाला था, ये मेरे साथ पर्सनली हुआ है। उसने लिखा था, मतलब उस पोस्ट में लिखा था कि कई बार नेटफ्लिक्स पे के कुछ कुछ सीरीज़ में क्या होता है कि शुरू में एक दो एपिसोड में मज़ा नहीं आता है, लेकिन क्योंकि दोस्त ने बोला है कि ओवरऑल सीरीज़ बहुत अच्छी है, पहले 2-3 एपिसोड थोड़े बोरिंग होंगे, तो हम बैठे रहते हैं। ठीक है, 2 एपिसोड बोरिंग निकला, लेकिन पता है आगे कुछ एक्साइटिंग होगा, और इसी चक्कर में हम पूरा वेब सीरीज़ देख जाते हैं। और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम बोल सकते हैं, हाँ मेरे साथ हुआ है कि वेब सीरीज़ अच्छी लगी बाद में। तो बोला, तो वो उस जो पोस्ट था उसमें ये लिखा था कि जब हम नेटफ्लिक्स के वेब सीरीज़ के लिए इतना पेशेंट रह सकते हैं, तो क्यों ना ये हम अपने गोल्स के लिए भी अप्लाई करें। हो सकता है कि अगर आप पढ़ने पर, आज तक आपके पढ़ने की आदत नहीं थी, लेकिन अब ठीक है, आप पढ़ना पड़ेगा, मान लो एग्जाम्स हैं आपके सर पे, तो आधा घंटा एक घंटा आप बैठ के तो देखो कम से कम। वही एक दो एपिसोड शायद बोरिंग जाए, पर धीरे धीरे अच्छा लगने लगेगा, एंड दिस हैपन्स। मैं भी जब कई जगह हुआ है, मेरे मतलब कोटा के भी दोस्त, पता नहीं, आई डोंट नो, मे बी तुम लोग देख रहे हो या नहीं, प्रभाष, नमन, ये तो जब पक्का देख रहा होगा, निखिल ये लोग मुझे याद है, मतलब ये मैं कोटा के दोस्तों को मैंने शाउट आउट दिया। कोटा में जब मैं गया था तो वहाँ पे मुझे याद है पहला दिन वो घर से दूर बहुत अजीब लग रहा था, यार कहाँ आ गए, पर एक दिन आज बेकार सा गया, दूसरा दिन भी वैसे ही, करते 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 दोस्ती हो गई, मज़ा आने लगा कोटा में भी। तो दिस हैपन्स। हाँ, एजुकेशन की बात जहाँ तक है, अगर आप उसको अच्छे से एक्सपीरियंस करते हैं, इस बात की परवाह किए बगैर कि कितने मार्क्स आपके आएंगे, क्योंकि ऑनेस्टली अगर आप पढ़ाई इसलिए करो कि अच्छे मार्क्स आए, ये आप कॉन्स्टेंटली आपके दिमाग में है, तो पढ़ाई का एक्सपीरियंस हैम्पर करेगा, आप सीखोगे भी नहीं। आप सीखने से ज़्यादा इस चीज़ पर ध्यान दोगे कि आप पेपर में क्या लिखोगे। तो मान लो आप पेपर में लिख भी आए पर वो चीज़ ने आपको कहीं नहीं बदला, तो फिर क्या मतलब है, वो एक मेमोरी बन के रह जाएगी, मेमोरी भी नहीं रहेगी। यही रीज़न है कि लोग एग्ज़ाम में लिख के आते हैं, सब लिख देते हैं, बड़ा बड़ा आंसर लिख देते हैं, पर एग्ज़ाम के अगले दिन 2 दिन बाद पूछो कुछ याद नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि आपने सीखा ही इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि मुझे एग्ज़ाम में क्या लिखना है। अरे सीखो ऐसे कि आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन का छाप छोड़ के जाए वो चीज़। और ये हो सकती है आप कुछ भी पढ़ रहे हो, मैथ्स, फिजिक्स, साइंस, केमिस्ट्री और जो भी होता है, मतलब आर्ट्स वगैरह जो पढ़ रहे हो, हर चीज़ एक चेंज का इम्प्रिंट छोड़ सकती है आप पे, अगर आप उसको उतना मन से और अच्छे से पढ़ो और इस बात की चिंता किए बगैर पढ़ो कि आपको कितना मार्क्स मिलेगा। अच्छे से पढ़ोगे तो मार्क्स अच्छा मिलेगा ही, वो मतलब वो इम्प्लाइड है, वो बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। और असल में देखा गया है कि रियल लाइफ में जो भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेसफुल लोग हैं ना, दे फोकस्ड ऑन डेली लर्निंग, वो इस बात पे फोकस नहीं किया कि उनको पेपर में जाकर क्या लिखना है। और उसके अलावा मैंने देखा, ये मुझे अब्दुल कलाम सर की बात याद आ रही है, यहाँ पे उन्होंने बोला था ना कि, मतलब एग्जैक्ट मुझे वर्ड्स याद नहीं है, पर ऐसा कुछ उन्होंने बोला था ना कि जो सबसे ब्रिलियंट माइंड है वो क्लास के पीछे की तरफ मिलते हैं, बैक बेंचर्स जो होते हैं। तो मैं पर्सनली, मैं बहुत लंबे समय के लिए बैक बेंचर रहा हूँ, थोड़े टाइम के लिए फ्रंट बेंचर भी रहा हूँ, और इसके लिए मेरे दोस्त मुझे गाली देते थे।
चंद्रवर्धन ये ब्लॉग में आया है, अगर आपने ब्लॉग देखा है पहले का, कई बार क्या होता था हम लोग 11 12th में, मुझे याद है मैं कई बार उसको सामने बैठा देता था मुझे गाली देता रहता था, गाली मतलब कोसता रहता था कि साले तुझे आगे ही बैठना, चलना पीछे तो दिस हैपेंस। और हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, मैं बोल रहा था कि हाँ, जो ये जितने बैक बेंचर्स हैं, ऐसा नहीं है कि हाँ, यहाँ मैं थोड़ा जो फ्लॉज मुझे दिखते हैं फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में, उनको भी मैं थोड़ा टच करना चाहता हूँ यहाँ पे। एक फ्लॉ जो मुझे अभी दिखता है वो ये है कि सारे फील्ड्स को इक्वल इम्पॉर्टेंस और इक्वल रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता है, खास करके इम्पॉर्टेंस नहीं दिया जाता है। और जो बैक बेंचर्स होते हैं ज़्यादातर, वो ऐसा नहीं कि वो इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, वो हर चीज़ में इंटरेस्टेड होते हैं एक्सेप्ट जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसके। तो अगर कोई स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है तो ज़्यादा चांस है कि वो एजुकेशन पे शायद इतना ध्यान नहीं देता होगा, और हार्डकोर बैकबेंचर होगा तो हाई प्रोबेबिलिटी है ध्यान नहीं देता होगा। तो कहीं ना कहीं पूरे क्लास का परसेप्शन बन जाता है कि ये पढ़ाई लिखाई में अच्छा नहीं है। अरे क्यों, हो सकता है वो स्पोर्ट्स में ऐसा परफॉर्म करे जो मतलब विच इज़ माइंड बॉगलिंग। और मेरे क्लास में मुझे याद है ऐसे लोग थे, अगर हर चीज़ को इम्पोर्टेंस दी जाए ना तो क्लास में स्टार परफॉर्मर कोई होगा, लेकिन फुटबॉल ग्राउंड में क्रिकेट ग्राउंड में स्टार परफॉर्मर कोई और होगा, और हर चीज़ को उतना ही इंपॉर्टेंस मिलेगा। मुझे याद है जब हम लोग फुटबॉल खेलते थे तो वहाँ का टॉपर मेरा दोस्त संतोष हुआ करता था, क्लास में कोई और टॉपर होता था, क्रिकेट ग्राउंड में टॉपर कौन होता था मैं नहीं बोलूँगा, पर मैं बॉलिंग अच्छी करता था ऐसा लोगों ने मुझे बोला है। और उसके अलावा जो अगर कहीं दौड़ने वगैरह की बात आ रही है स्प्रिंटिंग की, तो वहाँ पे भी संतोष काफ़ी अच्छा, क्योंकि फुटबॉल अच्छा खेलता था तो काफ़ी तेज़ भागता वगैरह भी था। तो हर फील्ड के अलग अलग टॉपर्स थे, हर फील्ड में अलग अलग लोग अच्छे थे। जब सारे फील्ड्स को, सारे डिपार्टमेंट्स को इक्वल इंपॉर्टेंस मिलेगा ना, तब जाके हर फील्ड से सेलिब्रिटीज अगर ज़्यादा लग रहा है तो हर फील्ड में एक्सेल करने वाले लोग निकलेंगे। अब जैसे हमारा करंट एजुकेशन सिस्टम जो है वो बिजनेस की तरफ ध्यान ही नहीं देता है। स्कूल में मुझे तो याद नहीं है कभी भी सिखाया गया, बिजनेस स्टडीज़ बोल के था, मैं तो साइंस का स्टूडेंट था 11th 12th में, तो बिजनेस स्टडीज़ मैंने नहीं पढ़ी है। बिजनेस के बारे में भी पढ़ाया अगर जाता है तो वो भी फोकस्ड रहता है टुवर्ड्स एम्प्लॉयमेंट। हर एक क्लास में अगर 40 बच्चे हैं तो हर तरह के बच्चे होते हैं उसमें, वो कुछ होंगे जो हार्डकोर एकेडमिक्स में इंटरेस्टेड होंगे, कुछ होंगे जो स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड होंगे, कुछ होंगे जो आर्ट में इंटरेस्ट होंगे, आर्ट मतलब म्यूजिक डांस वगैरह जो जो आर्ट में आता है सब कुछ। कुछ पेंटर बहुत अच्छे होते हैं, हाँ वही पेंटिंग की क्लास ले लो तो टॉपर कोई और निकलेगा। जैसे टॉपर तो मुझे नहीं पता, मैंने सबकी पेंटिंग अपने दोस्तों में नहीं देखी है, पर चंद्रवर्धन जो मेरा दोस्त है वो पेंटिंग काफ़ी अच्छी करता है, मैं उसकी पेंटिंग वगैरह देखा हूँ कई बार, मतलब ड्राइंग। वो अभी आर्किटेक्ट भी है, आर्किटेक्ट हो गया है मेरी याद तो बोले कि आर्किटेक्चर पढ़ रहा है अब तो हो गया है। हाँ, तो एंटरप्रेन्योरशिप को जब एक चांस मिलेगा ना तो उसी स्कूल से एंटरप्रेन्योर्स भी निकलेंगे। और एंटरप्रेन्योर्स की कितनी ज़रूरत है आज के टाइम पे ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी डेवलप्ड नेशंस हैं आप देख लो, जिनको पेडेस्टल पर रखा जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, आप एक चीज़ नोटिस करो, बहुत बहुत बड़ा रीज़न है कि वो उतने बड़े हुए हैं क्योंकि वहाँ के एंटरप्रेन्योर्स एक्सेल किए हैं। US जाना जाता है US की कंपनीज़ के वजह से, कंपनीज़ वहाँ की सक्सेसफुल हैं तो US है। तो यही चीज़ हर जगह करने की ज़रूरत है, अगर किसी में एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स हैं तो इसको निखारने की ज़रूरत, मतलब जो भी बोलते हैं, मतलब इसको बाहर लाने की ज़रूरत है। ये कुछ फ्लॉज मुझे दिखते हैं। और उसके अलावा एक और बात जो बताने की ज़रूरत है वो ये है, जो अमन दत्तरवाल भैया बोलते हैं, वो मुझे हिट किया था कि अगर आप झाड़ू भी लगाते हो तो इतना अच्छे से लगाओ कि पूरी दिल्ली का ठेका आपको मिले, वो चीज़ अर्बन क्लैप बन जाती है। और ये बात बिल्कुल सही है कि ये सिखाना ज़रूरी है कि चाहे जो काम आप कर रहे हो उसको इतना अच्छे से करो कि उस काम को करने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो, ये बहुत ज़रूरी है। नहीं तो व्हाट्स द पॉइंट कोई भी काम को करने का अगर आपको उसमें मन ही नहीं लग रहा है तो। और मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस यही रहा है कि हर काम में मज़ा आता है, पर वो फेज़ निकलने की देरी होती है, जो फ्लो आने की देरी होती है। तो उस तरीके से तो बोले दोस्तों, तो मैंने मैथ्स को भी काफ़ी इन्जॉय किया स्कूल में। पर्सनली मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, आई नो इट्स क्वाइट स्ट्रेंज पर था, पता नहीं क्यों शुरू में 7-1 में मेरा मैथ्स बहुत ख़राब था, पर 7 में बहुत ख़राब रिजल्ट हुआ तो बहुत ख़राब लगा, तो फिर मैं पढ़ना शुरू कर दिया। और पापा मुझे एक मंत्र दिए थे कि कुछ मत करो पर रोज़ 5 सवाल लगाना, 5 मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स एवरी डे, और मैंने इसको फॉलो किया, मतलब चाहे जो हो मैं रोज़ 5 सवाल ज़रूर लगाता था। ये करते करते मेरा मैथ्स इंप्रूव होने लगा, सो दैट्स हाउ
मुझे मैथ्स में भी मज़ा आने लगा। तो दोस्तों एजुकेशन प्रोसेस में मुझे लगता है ये चीज़ें अगर ठीक हो जाएं तो बहुत अच्छा होगा। तो जिनको लगता है कि मुझे एम्प्लॉयमेंट में ही जाना है, मे बी फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में जाना है, उनके लिए एजुकेशन प्रोसेस ठीक है, उनको जाना चाहिए, उनके लिए डिग्री भी इम्पॉर्टेंट है और मार्क्स भी मे बी मैटर करते होंगे आगे। पर आज के टाइम पर टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है ना, और यही एक रीज़न है कि मुझे टेक्नोलॉजी से इतना प्यार है, मुझे टेक्नोलॉजी इतनी पसंद है। टेक्नोलॉजी ने डिसरप्ट किया है, मैंने डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी पे एक वीडियो डाला था अपने अल्फा वेजिटेरियन वाले चैनल पे, जिससे इसका मीनिंग ये था कि जो एग्जिस्टिंग वे ऑफ फंक्शनिंग है उसको पूरी तरीके से चेंज कर देना, दिस इज डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी। जैसे पहले हम जाते थे टैक्सी बुक करने, मुझे याद है हम लोगों को ट्रैवल करना होता था तो टैक्सी बुला के ले आते थे, सब लोग बैठते थे और चले जाते थे, टैक्सी स्टैंड में जाते थे। अब हो गया, अब आप उबर से या ओला से कोई भी ऑनलाइन कैब बुक करते हो, घर पे आपके कैब आ जाती है और फिर ऑनलाइन पेमेंट वगैरह भी हो जाता है। दिस इज़ अ डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी ने इतना डिसरप्ट किया है चीज़ों को और इतने फास्ट पेस पे टेक्नोलॉजी डिसरप्ट कर रही है आने वाले मतलब एग्जिस्टिंग चीज़ों को। जैसे मुझे अगर मैं ट्रेडिशनल एग्जाम्पल दूँ, पहले इनफैक्ट टू अ लार्ज एक्सटेंट प्री कोविड बॉलीवुड और सिनेमा का बहुत बड़ा इम्पैक्ट था लोगों पर। मुझे याद है कि हम लोग हर ऑलमोस्ट हर वीकेंड, मैं कोविड के पहले की बात कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट हर वीकेंड हम एक फिल्म देखने जाते थे। पर कोविड के बाद से, खास करके कोविड के बाद से, जो ऑनलाइन और जो वेब सीरीज़ वगैरह है नेटफ्लिक्स पे, अमेजन प्राइम और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे, इनका जो इम्पैक्ट है लोगों पे ये बढ़ने लगा, क्योंकि लोगों के पास कोविड के टाइम में जब लॉकडाउन था तब तो सिनेमा का कोई, सिनेमा हॉल का कोई एक्सेस नहीं था, पर कुछ तो चाहिए एंटरटेनमेंट के लिए, मे बी कुछ इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए, बहुत फिल्म्स होती हैं ना जो इन्फॉर्मेटिव होती हैं। तो OTT प्लेटफॉर्म्स का इंपॉर्टेंस बढ़ने लगा। तो OTT प्लेटफॉर्म अब जो सोशल मीडिया है वो ट्रेडिशनल मीडिया और इनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस गेन कर रहा है धीरे धीरे। रीज़न तो टेक्नोलॉजी है ना, टेक्नोलॉजी ने डिसरप्ट किया है एग्जिस्टिंग चीज़ों को। तो टेक्नोलॉजी जिस तरीके से डेवलप कर रही है उसको मैच करने के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि एजुकेशन प्रोसेस भी उस तरीके से खुद को मोल्ड करे। और टेक्नोलॉजी जैसे जैसे एडवांस हो रही है, जो एम्प्लॉयमेंट की बात है ये भी बदल रहा है। अब जैसे ऐप डेवलपर्स की लोगों कंपनीज को ज़रूरत है, ये जॉब आज से 10-15 साल पहले एग्जिस्ट भी नहीं करता था। तो इन सारे जॉब्स को क्रिएट किया है टेक्नोलॉजी के डिसरप्शन ने। तो मुझे लगता है ये चीज़ें भी इनकलकेट करने की ज़रूरत है एजुकेशन, एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम में। तो पढ़ाई अगर कर रहे थे तो पढ़ाई को अच्छा कैसे लगवाएं, वही फ्लो का कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट जो आप पढ़ रहे हो उसको डिस्कस करो अगर इफ़ यू रियली वॉन्ट टू यू नो हैव अ गुड एक्सपीरियंस ऑफ स्टडिंग। अब दोस्तों का सर्कल ऐसा बनाओ, मैं बोल रहा हूँ जो जिनको आप समझते ना कि जो पढ़ते लिखते नहीं हैं आपके फ्रेंड सर्कल में, एक फन वे में उनके साथ कोई भी कॉन्सेप्ट पे बात करके देखो, देखना वो इंटरेस्ट लेंगे। रीज़न यही होता है ना कि जो लोग क्लास में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, बाहर की दुनिया में इंटरेस्टेड होते हैं, वो बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं, तो वो डल चीज़ों, मतलब मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ लेकिन एक परसेंटेज ऐसा होता है स्टूडेंट्स का कि वो डल चीज़ें हैं, वो ठीक है टीचर बोर्ड पर लिखा रहा है उसमें वो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। मेरे दोस्त में हैं ऐसे लोग, और खेलकूद में कैसे मज़ा करना है, मौज मस्ती में, वो तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वो तो डिफ़ॉल्ट उसमें सबको मज़ा आता है, बंक मारने में सबको मज़ा आता है और पीछे बैठ के टीचर की बात में ध्यान ना देने में सबको मज़ा आता है। इस सेंस में एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन एजुकेशन का मतलब अगर ये है कि जाके बस एक जगह पेपर में कुछ लिख के आना और एक डिग्री लेके आ जाना, तो आई थिंक दैट इज़ अ वेरी नैरो वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। ये वीडियो भी दोस्तों मैंने स्क्रिप्ट नहीं किया था, ऑन द वे एजुकेशन से रिलेटेड जो मेरे दिमाग में आया मैंने उसको बोला। और भी अगर आप एजुकेशन मतलब ऐसा टॉपिक है ना, इस पर मैं बहुत सारे वीडियोज़ बना सकता हूँ, बहुत सारे पार्ट्स बना सकता हूँ इस टॉपिक पर। तो इसके अलावा भी अगर, फिलहाल तो मैं जो मेरे दिमाग में था मैंने बोल दिया, इसके अलावा भी अगर आपका क्या, आपकी क्या राय है एजुकेशन से रिलेटेड वो आप कॉमेंट्स में बताइएगा, और अगर कोई और आपका सवाल हो तो वो भी बताइएगा। अगर आई होप आपको एक रफ पर्सपेक्टिव मिल गया होगा इस क्वेश्चन का कि इस फॉर्मल एजुकेशन नीडेड, हम क्लास 10th और क्लास 12th के मार्क्स और जितने भी मार्क्स हैं ये कितने इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है, अगर आपको सिर्फ जाके एम्प्लॉयमेंट लेना है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, विच इज़ परफेक्टली फाइन। लेकिन अगर आपको और दूसरा कुछ एक्सप्लोर करना है, जो नए नए अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आज के टाइम्स में, तो मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है, लर्निंग इंपॉर्टेंट है। अगर आपने स्कूल में लर्न किया मतलब याद नहीं, लर्न मतलब आपने स्कूल में सीखा है, तो वो चीज़ बाद में भी काम आएगी और बाद में भी सीखते रहना बहुत ज़रूरी है। और ये बहुत फेमस कोटेशन है कि सीखना बंद तो जीतना बंद, तो यस सीखना बहुत ज़रूरी है। इस सेंस में एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक और लाइन मेरे दिमाग में आ रही है जो विवेक बिंद्रा सर ने कही थी,
कि अनपढ़ वो नहीं जो पढ़ना नहीं जानता, अनपढ़ तो वो है जो सीखना नहीं जानता, सीखना नहीं चाहता। हाँ, ये बहुत अप्रोप्रिएट और बहुत टू द पॉइंट बात है। तो यही था दोस्तों, आई होप यू गेन्ड सम वैल्यू आउट ऑफ इट। और जैसा कि मैंने पहले भी बोला, अगर कोई और सवाल है आपका तो कमेंट में बताइएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।